हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन ड्रामा के बारे में बताऊंगा। लिस्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रामा है जो हिंदी डब्ड में आने वाली है, तो सभी अपडेट को मिस ना करने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना, ओके? और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं कम एंड हग मी ड्रामा से। एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर रोमांटिक ड्रामा है जो परफेक्टली बैलेंस है, क्योंकि इस ड्रामा का आधा पार्ट मर्डर्स और क्राइम के डार्कनेस से घिरा हुआ है, वहीं दूसरा पार्ट प्यार और ग्रेस से भरा हुआ है। और वैसे ये तो हम सबको पता है कि अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, और उसी तरह से दर्द और निराशा से उभरने के लिए प्यार की जरूरत होती है। पर इस श्रापी दुनिया में हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और प्यार के लिए ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर नकवान को, जिसे अपने बचपन में एक लड़के यूना से प्यार हो जाता है। पर यूना के पापा एक साइको सीरियल किलर हैं जिन्हें अपने बेटे से नफरत है, और इसलिए वो उस हर चीज को खत्म कर देना चाहते हैं जिससे उसे खुशी मिलती है, और इसलिए वो नकवान के पेरेंट्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से नकवान और यूना का प्यार अधूरा रह जाता है और नकवान ट्रोमा से सफर करने लगती है। और अब कई साल बाद यूना एक डिटेक्टिव बन चुका है और नकवान एक पॉपुलर एक्ट्रेस, और इन दोनों का फेथ इन दोनों के दिल में बसे पुराने घाव को उभारने के लिए दोबारा से इन दोनों को प्यार करा देता है। पर प्रॉब्लम यह है कि यूना के पापा दोबारा से जेल से भाग गए हैं, तो अब क्या यूना अपने पापा से अपने प्यार को बचा पाएगा या दोबारा से यूना का प्यार अधूरा रह जाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग ड्रामा को, जिसे आप 27 सितंबर से हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। हमारी अगली डेट है फैमिलियर वाइब ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये खूबसूरत सी रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है। वैसे हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि हमें किसी की वैल्यू उनके खोने के बाद ही क्यों पता चलता है, और इस बात का कनेक्शन प्यार से हो तो दिल और भी ज्यादा दुखता है। और इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर जूक भी ऐसी सिचुएशन में है, जिसे अपने वाइब भूजिन से शादी करके लगभग 5 साल हो गया है, और उनके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि उनकी मैरिज लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है, और उनके रिलेशनशिप में प्यार का कोई नामो निशान नहीं है। पर फिर एक दिन जूक को पता चलता है कि कॉलेज टाइम में जिस लड़की हेवॉन पे उसे क्रश था, वो लड़की भी उसे सीक्रेटली पसंद करती थी। और इस बात को जानने के बाद उसे रिग्रेट होने लगता है कि अगर कॉलेज टाइम में उसने हेवॉन के सामने अपने फीलिंग्स कन्फेस कर दी होती तो आज इस लवलेस मैरिज में ना फंसा होता। पर फिर उसे उसी दिन दो मैजिकल कॉइन मिलता है, जिसकी वजह से जूक की जिंदगी पूरी तरीके से रिवर्स हो जाती है। और दूसरी सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ वुजिन नहीं हेवॉन है। तब जूक की ये डिजायरेबल लाइफ उसके रियल लाइफ से बेहतर होती है या उससे भी बेकार, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 20 सितंबर से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली डेट है द वैंडरिंग अर्थ पार्ट 2 मूवी के बारे में। इस मूवी को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये ब्रिलियंट साइफाई डिजास्टर थ्रिलर मूवी है जो आपके सामने बहुत ही इंपैक्टफुल और ग्रिपिंग प्लॉट प्रेजेंट करेगी। इस प्लॉट में सन धीरे धीरे अर्थ के ऑर्बिट के बहुत पास आ चुका है, जिसकी वजह से अर्थ पर अवेलेबल सारे रिसोर्सेज खतरे में आ गए हैं, इंक्लूडिंग मैनकाइंड। इसलिए साइंटिस्ट अर्थ को सन से बचाने के लिए ये फैसला करते हैं कि वो मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे। जिस एक्सपेरिमेंट में अर्थ के सरफेस पे हजारों जायंट न्यूक्लियर फ्यूजन इंजन लगाया जाएगा, और फिर उन जायंट इंजन के फोर्स बूस्ट की मदद से अर्थ को किसी और ऑर्बिट या सोलर सिस्टम में ले जाने की कोशिश की जाएगी। पर एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम ही है रिक्स, और यहाँ बात किसी एक रॉकेट को ऑर्बिट से बाहर भेजने की नहीं है, यहाँ बात पूरे अर्थ को दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाने की हो रही है। तो इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट कितना ज्यादा सस्पेंसफुल और थ्रिलिंग होने वाला है। तो फिर अगर आप भी इस एक्सपेरिमेंट के इंटेंस टेंशन को फील करना चाहते हो तो आप इस वर्ल्ड क्लास साईफाई मूवी को जरूर देखना, जब ये हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर आएगी। हमारी अगली डेट है ब्रेकिंग डाउन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। ये वर्ल्ड क्लास लेवल की एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, जिसके बारे में मैं आपको स्पेशल क्या बताऊं। वही बाकी क्रिमिनल थ्रिलर ड्रामा की तरह कुछ कॉप्स डक लॉर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और एंड में कॉप्स डक लॉर्ड को पकड़ लेते हैं। पर भले ही ऑलमोस्ट सभी एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, पर फिर भी हर एक्शन थ्रिलर ड्रामा का अपना एक अलग मसाला और थ्रिल होता है, जो ऑडियंस को एक्शन थ्रिल कॉन्टेंट का लवर बना देता है। और वैसा ही थ्रिल आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है अंडरकवर कॉप्स गुओ यांग और जियांग चिंग की, जो कंट्री के ड्रग लॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कैसे ये दोनों कंट्री के सबसे लीथल ड्रग लॉर्ड को पकड़ते हैं, और ऐसा करने में उन दोनों को कितनी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिसे आप 1 या 2 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है 2018 की सबसे बेस्ट बॉस एम्प्लॉई ड्रामा के बारे में, जिसका नाम है क्लीन विद पैशन फॉर नाउ। एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7 की IMDb रेटिंग ली है। मैं मानता हूँ कि टू अपोजिट साइड अट्रैक्ट इच अदर, पर इस ड्रामा में दो डिफरेंट साइड इस तरह से अट्रैक्ट होंगे कि रोमांस और अंडरस्टैंडिंग की सारी हदें तोड़ देंगे। ये मैंने इस ड्रामा से एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सनयुल की, जो एक क्लीनिंग कंपनी का सीईओ है और उसे जर्मोफोबिक डिसऑर्डर है, और इसलिए वो अपने सराउंडिंग को और खुद को बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन रखता है। पर प्रॉब्लम यह है कि उससे अपने चेयरफुल एम्प्लॉई ओस्यूल से वन साइडेड लव हो जाता है। पर ओस्यूल ऐसी केयरफुल लड़की है जो अपने सराउंडिंग को और खुद को जरा भी साफ नहीं रखती है। अगर उसके मुंह पे खाना लगा है तो लगा ही रहेगा, अगर उसके हाथ गंदे हैं तो गंदे ही रहेंगे, और उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जर्मोफोबिक से सफर करने वाला इंट्रोवर्ट बॉस और केयरफ्री और गंदगी से रहने वाली एम्प्लॉई के बीच ऐसे नोकझोंक वाली क्यूट लव स्टोरी डेवलप होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस प्रॉपर एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप 27 सितंबर से हिंदी डब में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है बैलरीना मूवी के बारे में। एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जो एंटी हीरोइन कैरेक्टर पर बेस्ड होने वाली है। नेटफ्लिक्स पिछले कुछ समय से ऐसे एक्सेप्शनल कोरियन शोज और मूवी ला रहा है जो प्लॉट वाइज बहुत ही ज्यादा यूनिक और स्टनिंग होता है, और बैलरीना मूवी भी ऐसी एक मूवी होने वाली है जिसमें आपको सस्पेंसफुल प्लॉट के साथ साथ अमेजिंग एक्शन देखने को भी मिल जाएगा। इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाएगी उगजू की, जो एक बॉडीगार्ड का काम करती है, और वो एक प्रॉपर फाइटर है जो मार्शल आर्ट, शॉट फाइटिंग और बाइक ड्राइविंग में एक्सपर्ट है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड है मिनही, जो एक बैलरीना है, और उसके साथ एक बॉडी बिल्डर प्रोचोई ने बहुत गलत किया है, और इसलिए मिनही प्रोचोई की जिंदगी नर्क से बदतर बनाना चाहती है, और इसलिए वो प्रोचोई से बदला लेने के लिए ओगजू की मदद मांगती है। तो अब ओगजू कैसे अपने स्किल से प्रोचोई की जिंदगी सच में नर्क बनाती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर एक्शन थ्रिलर मूवी को, जिसे आप 6 अक्टूबर से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है टियनसिन मिस्टिक ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जो अच्छी है या बुरी वो आप लोग डिसाइड कर लेना इस ड्रामा को देखने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी हॉरर सुपर नेचुरल ड्रामा को मिक्स रिव्यू मिलता है। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ ऑडियंस को सुपर नेचुरल हॉरर कंटेंट एक्साइटेड करता है तो कुछ ऑडियंस को इरिटेट। इस ड्रामा की स्टोरी सेट है चाइना के रिपब्लिक एरा में, जहां ये रूमर फैला है कि शहर के पास की ही एक नदी सुपर नेचुरल चीजों से हॉन्टेड है, क्योंकि उस नदी के आसपास ही कुछ मिस्टीरियस मर्डर हो रहे हैं, और इसीलिए इन मिस्टीरियस मर्डर्स के पीछे का राज जानने के लिए एक पुलिसमैन गुओ दे यू इन मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करता है। पर उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे कुछ ऐसे फिनोमिनल क्रिएचर्स के पास लेके जाती है, जिन क्रिएचर्स को इमेजिंग करना उस एरा के लोगों के लिए बियॉन्ड एक्सेप्टेशन है। और अब ये क्रिएचर्स क्या है और क्या सच में वो नदी हॉन्टेड है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 1 या 2 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली डेट है लास्ट वन स्टैंडिंग ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग ली है। एक एवरेज सी सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है, जिसका कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है पर स्टोरी को ठीक से लिखा नहीं गया है, जिसकी वजह से इस ड्रामा में थ्रिल और सस्पेंस का वो स्पार्क मिसिंग है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लोरेन की, जो अपने बेस्ट फ्रेंड निंग्यू के साथ मिलकर अपने वाइफ के मिस्टीरियस मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी उन दोनों के एक औरत जियांगजू पर शक होता है, इसलिए वो दोनों मिलकर उस औरत को चेस करने लगते हैं एक ट्रेन की मदद से। पर ये ट्रेन उन दोनों को और उस ट्रेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को एक मिस्टीरियस सिटी सी सिटी में लेके चली जाती है, जो सिटी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और उस सिटी में कोई भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट और रिसोर्सेज नहीं है, और ये सिटी एक तरह से जानलेवा ट्रैप है जो डेंजरस ऑप्टिकल से भरी हुई है। तो अब इन पैसेंजर्स को कौन इस सिटी में लाया और उन्हें यहाँ लाने के पीछे का इंटेंशन क्या है, और क्या ये सभी पैसेंजर्स इस सिटी से जिंदा बच के जा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 1 या 2 महीने के अंदर हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है किल इट ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा जनरली मिस्ट्री थ्रिलर ऑडियंस को ही टारगेट करने के लिए बनाया गया है, और एज अ मिस्ट्री थ्रिलर कंटेंट लवर मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये ड्रामा लिटरली वन ऑफ द फाइनेस्ट और इनक्रेडिबल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। और अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो सपोज करिए कि आपको इस वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीथल और बैडेस्ट असैसिन को पकड़ना है, जो किलर अपने काम और आइडेंटिटी को इतना मिस्टीरियस रखता है कि आज तक किसी को भी उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। तो आप कैसे लीथल प्रोफेशनल किलर को पकड़ोगे, इसी सेम डिलीमा से डील कर रही है एक बहुत ही सातिर डिटेक्टिव यूनजिन, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर सोयुंग को पकड़ने के मिशन पे निकली है, जो किलर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हैवी मनी चार्ज करके उनके लिए लोगों को मारता है, और वो अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ही फाइनेस्ट वे में खत्म करता है। पर डिटेक्टिव यूनजिन के लिए ये मिशन प्रोफेशनल से पर्सनल तब बन जाता है जब उसके लवर का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव यूनजिन सोयुंग को डेस्परेटली पकड़ना चाहती है। तब एक क्लेवर डिटेक्टिव और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीथल मिस्टीरियस किलर के बीच इस हाइडन सिक गेम को कौन जीतता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है हाई क्लास ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा रिवेंज मिस्ट्री थ्रिलर जॉनर पर बेस्ड है। इस ड्रामा को आप सस्ता पेंटहाउस भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस ड्रामा में वही सब दिखाया गया है जो पेंटहाउस ड्रामा में दिखाया गया था। पर इस ड्रामा में पता नहीं क्यों कोई स्पार्क और इंटरेस्ट मिसिंग है, और यही कारण है कि इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली फोकस्ड है कुछ वुमेन्स पर जो सोसाइटी के टॉप 0.1% एलिट पीपल में से कंसीडर की जाती है। इन वुमेन्स में से एक है श्योंग यूल, जो एक सिंगल मदर है, और उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि उसने अपने हस्बैंड को मार डाला है, क्योंकि जब से उसका हस्बैंड उसके साथ एक ट्रिप पर गया था तब से वो गायब है। और श्योंग यूल भी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर आइस हॉकी प्लेयर डैनियो की, जो बहुत ही हैंडसम है, और अब वो एक इंटरनेशनल स्कूल में टीचर है जहाँ इन सभी एलिट औरतों के बच्चे पढ़ते हैं। डैनी ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर वो अंदर से एक डार्क सीक्रेट छुपा कर जी रहा है, और वो पता नहीं क्यों श्योंग यूल और उसकी बच्ची को स्पेशली ट्रीट करता है। तो अब श्योंग यूल का पति कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ और डैनियल और श्योंग यूल के बीच क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर पर देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 5 वैम्पायर रोमांटिक कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 रोमांटिक कॉलेज लाइफ कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है, तो मेरी एंड स्क्रीन पे दो वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।